अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, शामजे B3 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि मैंने कल मुल्तान की सकाफत का व्लॉग डाला था, इसी तरह आज उसका पार्ट नंबर 2 डाल रही हूँ। यहाँ पर हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है, मैं अपने गांव से स्टार्ट कर रही हूँ आज। यहाँ पे गन्नों की फसल कट चुकी है और कपास की फसल की बिजाई शुरू हो चुकी है और कहीं कहीं पर घास उगाया हुआ है। गर्मियों का मौसम है इसलिए ट्यूबवेल भी चल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। गर्मियों के मौसम में ट्यूबवेल ज़्यादा चलना शुरू हो जाते हैं बनिस्बत सर्दियों के, और हमारे गांव में काफ़ी सारे ट्यूबवेल हैं। यहाँ पे भी बच्चे नहा रहे हैं, देखें, क्योंकि दोपहर का टाइम है, गर्मी का मौसम है। इसी तरह दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं पे ज़मीन खाली पड़ी हुई है, कहीं पे फसल उगी हुई है। यहाँ पे देखिए हरे भरे दरख्त हैं और साथ ही ट्यूबवेल फिर आ गया, इसके साथ एक चक्की है आटा पीसने वाली। यहाँ पे भी बच्चे नहा रहे हैं, बड़े भी। गर्मियों में ट्यूबवेल पे नहाने का अपना ही मज़ा है। मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। गांव की ज़िंदगी बहुत टफ भी होती है और पुरसकून भी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, जैसे बिजली वगैरह का, गैस का, और काफ़ी सारे और भी मसाइल जो शहरों में नहीं होते, लेकिन शहरों में इतना पुरसकून माहौल नहीं होता जितना गांव में होता है।
गांव का सफ़र जैसे ख़त्म हुआ हम शहर की तरफ निकले तो मैं आपको ये बाज़ार और ये चीज़ें दिखा रही हूँ। ये वाले बाज़ार में कुछ सजावट की चीज़ें जैसे शादी की डेकोरेशन की चीज़ें होगी, मेहंदी की, सेज वगैरह की। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो मैंने सोचा एक क्लिप इसका भी ले लूँ। ये हम अब मुल्तान में एंटर हो चुके हैं। मुल्तान की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें या तो हर चीज़ की शॉप इकट्ठी आ जाती हैं जैसे मुख्तलिफ़ या फिर एक ही चीज़ का एक ही बाज़ार चला जाता है। अगर कपड़े हैं तो कपड़े, जूते हैं तो जूते, क्रॉकरी वगैरह का सामान है तो वो। लेकिन आज मैंने डिफरेंट चीज़ें एक साथ करके डाली हैं। यहाँ पर हम टोल प्लाजे पर पहुँच चुके हैं। टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं मुल्तान वाला। जैसे टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस किया जो साथ वाली गाड़ियों वाले थे वो लोग देखने लग गए कि वीडियो बन रही है। इस साथ मैंने एक पेट्रोल पंप का भी व्यू लिया है। यहाँ पे हम चनाब रूद पे पहुँच चुके हैं यानी कि दरिया के पुल पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले एक होटल है जिसका नाम है चनाब रूद। यहाँ पे इन्होंने झूले वगैरह और तफरी का काफ़ी सामान बनाया हुआ है। ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई थी वो अपनी गाड़ी सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम किया था लेकिन इतना जूम नहीं हुआ। ये देखें जैसे उन्होंने ट्रेन बनाई हुई है झूलों वाली, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अगर आप दूर से देख रहे हो तो आगे चल के भी उन्होंने काफ़ी कश्तियाँ वगैरह और काफ़ी सारा पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे। साथ में कच्ची आबादी भी है जो पहले से लोग यहाँ पे रह रहे थे। बहुत अच्छा व्यू लगा इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। यहाँ पे देखें दोबारा दरख्तों के पीछे झूले हैं और उनके बैठने की भी जगह है। ये उन्होंने आगे होटल बनाया हुआ है। सामने आपको दरख्तों में दरिया का व्यू भी नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। यहाँ पे पुल से नीचे उतर के इस तरफ जाया जाता है पिकनिक पॉइंट की तरफ। यहाँ पर उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है। अब ऊपर जाके इनका होटल स्टार्ट हुआ है। साथ में पहले मस्जिद आती है फिर आगे की तरफ इनका होटल है। यहाँ पे ये खाना कुकिंग करते हैं और यहाँ पे पार्किंग भी है गाड़ियों की, बाइक्स वगैरह की। तामीराती काम भी साथ स्टार्ट है। यहाँ से नीचे दरिया का व्यू जा रहा है। दरिया क्योंकि खुश्क है थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा आगे जाके भी दरिया आएगा। ये हम पुल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एक शॉप वाले भाई भी बैठे हुए हैं क्योंकि पिकनिक पॉइंट पे ऐसी चीज़ें छोटी मोटी शॉप्स आपको मिलती ही रहती हैं।
पहले दो तीन व्लॉग में हम ऊपर से व्यू लेते हैं, आज नीचे जाके लें। यहाँ पे मेरे कैमरे का एंगल दूसरी तरफ हो गया, लेकिन फिर भी मैंने फुल व्यू लिया दरिया का, ताकि आपको दरिया का एक नज़ारा दिखा सकें कि नीचे जाके कितना प्यारा नज़ारा होता। लोग भी काफ़ी सारे जमा थे। मेरी तरह और भी काफ़ी सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। काफ़ी देर दरिया देखने के बाद हमने फिर अपना सफ़र जारी किया। यहाँ पे एक और होटल आया जिसका व्यू मुझे और भी ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ पे साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।